किराया जो है यही लोग वसूल कर रहे थे जो मदरसे वाले हैं। मदरसे वाले यहाँ पे मदरसा भी बनाया हुआ था, अब खत्म हो गया सब, सब मदरसे पे भी चल गया, सब पे चल गया। जमीन पर योगी सरकार की जमीन पर कौन पैसे ले रहा था आप लोगों से? हाजी खलील, हाजी खलील कौन है? यहाँ मदरसे के मालिक जो थे, तुम ही कराने के चक्कर में लग रहा हूँ की जमीन पर किसने कब्जा किया? अरे भैया नहीं पता, नहीं पता भैया, नहीं पता किसी को भी ना दे रहे थे किराया, तो आप ऐसे ही बैठे थे जमीन पर? भाई कुछ भी मानते हैं गलत था, जो भी कौन था, तो रेलवे की संपत्ति थी तो गलत तो थी। कब्जा करके बैठ गया था ये अवैध था, खलील हाजी खलील, हाँ हाजी खलील ने कब्जा किया। हाँ वो कह रहे हैं मदरसे के आड़ में वो सारी संपत्ति कब्जाने की कोशिश, सारी संपत्ति करी, सबसे किराया लेता था, सारा किराया, ट्रेनी खड़ी करवाता, स्टैंड बना लिया था, पार्किंग बना दी, समझे जी? कुछ कहेंगे इस बारे में कि जो बुलडोजर चला, सही चला गलत हुआ? गलत चला, सही क्यों चलता? जब 3 दिन का टाइम दे गए तो 3 दिन का इंतजार देख कर जब बुलडोजर चलाते सामान कुछ ना निकालन दिया है, सब कुछ दब गया, सबका काम का। आपने अवैध का कब्जा कर रखा था, मतलब ये मदरसे को किराया देते थे हम, मदरसे को किराया, मदरसा भी था यहाँ, मस्जिद भी बनाई हुई थी। जो यहाँ के मेयर है वो ये कह रही है कि उसी की आड़ में ये मदरसे की आड़ बनाई हुई थी। हाँ ऐसी हुई थी, कब्जा तो था ही, सरकार ने अपनी जमीन ली है, सरकार ने लिया, रेल भाई वालों ने थोड़ी लिया। ये क्या कहेंगे आप, योगी की ये कार्रवाई सही है कि गलत? गलत है, और क्या, योगी जी गलत कर रहे हैं, मतलब और क्या गलत कर रहे हैं? अवैध कब्जा जिन्होंने किया, 10 दिन का 5 दिन का टाइम दे देते, हाँ। भाई हम नहीं खाली करते, बिल्डोजर फिरा देते, भाई हमारे बाप की तो जगह है ही ना, सबने के कर रखे हमें। आपको पता चला था कि इस तरीके से टूट जाएगी? नहीं नहीं, बिल्डोजर यहाँ उतरेंगे? नहीं 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 जानकारी थी? नहीं नहीं, परसों इतने टाइम वो कर गए थे, अनाउंसमेंट कर गए थे, कल सुबह आकर तोड़ गए, 31 तारीख का टाइम दे गए, तो बता कहाँ संगवा कर पाते? भैंस वैसे हमारी 4 भैंस वहाँ बंधी है, 2 वहाँ बंधी है, 1 गाय वहाँ बंधी है, ऐसा बंधी है, इन बेचारे के वहाँ बंधी है, ऐसा बांध रखी है। मतलब आप मानती हैं ये अवैध जमीन थी? सर रेल भाई की, ये तो सबको ही पता, अभी तो सड़क खुले थे, वही मदरसे वालों को देते, मदरसा वाला है, मतलब मदरसा यहाँ से किराया वसूल रहा था आपसे जो मदरसे के संचालक थे। हाँ हाँ हाँ, क्या नाम है? जमीन तो उनकी भी नहीं थी? नहीं, मदरसे वालों की भी ले रहे थे आपसे, तो मदरसे का, मदरसे में तो वो भी ना आएगा, ये वो, ये भी तो रेल भाई का ही है मदरसा भी। तोड़ दिया गया, वो भी तोड़ दिया। हाँ वो भी तोड़ दिया गया, और पैसा आप ले, आप लोगों से मदरसे वाले ले रहे थे? हाँ, यानी उन्हीं लोगों ने कब्जा। भैया आप क्या कहेंगे जो आंटी कह रही कि मदरसे वाले हमारे से पैसा ले रहे थे, जो अवैध निर्माण था मदरसा भी? मदरसा थोड़ी ले रहा है, तो रेलवे की जमीन है सारी, हाँ। तो पूरी कॉलोनी रेलवे किराया ले रहा था, वो मदरसा ले रहा, हाँ। किराया कोई ना ले रहा, दुकान का किराया मदरसा वाला, इन्हें पता ना, इन्हें नहीं पता। आप पूरी जानकारी दीजिए कृपया, क्या जानकारी है कुछ बता सकते हो तो? जानकारी क्या, पूरी रेलवे की जमीन है सारी, सारी रेलवे की जमीन है, हाँ। सब कब्जा हो रखा है, लैन बिछी हुई है, वो देंगे, वो देंगे, तो ये देंगे क्या? रेलवे की जमीन पर कब्जा है पूरा, मतलब ये? हाँ वो बताएंगे। क्या है, मदरसे वाले किराया ले रहे थे यहाँ पे, मदरसे वाले किराया ले रहे थे इनसे दुकानों का, दुकानदार बता रहे। क्या वजह रही ये 50 करोड़ की, कह रहे अवैध कब्जा कर रखा था इसलिए बुलडोजर चला, क्या वजह है, मतलब सही हुआ है क्या हुआ है? गरीब लोग क्या कहने में बसे हुए थे, इसमें कहने में बेचारे इतने सक्षम होते तो कहीं जाके अपने गोदाम लेते, अपने लेते, गरीब आदमी किराया दे रहे थे ये तो लोग, ये तो किराए की गलती क्या है भाई, इनका सामान इन्हें वापसी मिल जाना चाहिए। तो सामान ले जा रहे हैं ये मशीने, क्या क्या काम होता था यहाँ पे? कहने में अपने अपने कोई गरारी बना रहा है, कोई कबाड़े का काम कर रहा है, यही था काम, और क्या काम था ना? क्या लगता है 50 करोड़ की संपत्ति ये बताई जा रही है? 50 करोड़ की कहाँ है? जमीन को बता रहे हैं, जमीन, पूरी जमीन जो है 200 करोड़ रुपए की थी, होगी बहुत महंगी जमीन थी, होगी आबादी में है तो, आबादी में है, कोई जंगल में तो है नहीं, हो सकता है। किराया कौन वसूल कर रहा था? इसका किराया जो है यही लोग वसूल कर रहे थे जो मदरसे वाले हैं। मदरसे वाले यहाँ पे मदरसा भी बनाया हुआ था, अब खत्म हो गया सब, सब मदरसे पे भी चल गया, सब पे चल गया, सब खत्म हो गया, वो भी अवैध जमीन पर। अब ये उनकी पुरानी कब्रिस्तान थे, कब्रिस्तान में मदरसा बना लिया, हाँ मतलब कब्रिस्तान भी अवैध जमीन पे था। नहीं कब्रिस्तान तो नगर निगम देता ही है जमीन, और उसके बाद में भी बंद होगा। इन पर योगी सरकार की जमीन पर कौन पैसे ले रहा था आप लोगों से? हाजी खलील, हाजी खलील कौन है? यहाँ मदरसे के मालिक जो थे, मदरसा चलाते थे हाजी खलील जी? मदरसा चलाते थे और जमीन पर कब्जा करते थे?
कैमरा ला रहे सुन तो लो यार, तुम अभी यूँ कहना चाहिए यहाँ पे खामुखा दंगा कराने के चक्कर में लग रहे हो, न्यूज बार बार कैमरा सामने लग रहा है, तुम ही कराने के चक्कर में लग रहे हो। अरे भैया नहीं पता, नहीं पता भैया, नहीं पता किसी को भी ना दे रहे थे किराया, तो आप ऐसे ही बैठे थे जमीन पर। हमारा कोई मामला नहीं है भैया, हमारा कुछ है नहीं, रोल खामों का दूसरे नए आदमी भैया मेरा नहीं है, नए आदमी क्यों पकड़ के टॉर्चर कर रहा नहीं है तो आप टॉर्चर क्यों कर रहे हो तुम नए आदमी को, नहीं तुम जबरदस्ती पकड़ रहे हो आदमी को, क्यों पकड़ रहे हो भैया, तुम दूसरे आदमी को गुफा पकड़ रहे हो, जिसका माल है जो माल उठा रहे हो। एक मिनट जमीन थी, किसने कब्जा किया था, किसको किराया देते थे? एक मिनट जी, आप आराम से बात करें। हमने जब हम जैसे पैदा हुए हैं यहाँ पर, अपने हमने होश संभाला है तो हमने ये जमीन ऐसे ही देखी है। अच्छा, लोग हमारे पीछे बुजुर्ग भी हमारे गुजरे हैं तो ऐसे ही थे, कोई यहाँ पे था, मदरसा भी चला है इसमें, स्कूल भी चला है, काफी कुछ चला है। बड़े भाई हाजी अकील का नाम क्यों आ रहा है, कौन है वो व्यक्ति और क्यों वो सरकार की जमीन पे? हाजी अकील तो पता नहीं हमें कौन था, हाजी अकील हाजी खलील, हाजी खलील क्या सरकार की जमीन से आप लोगों से किराया लेते थे यहाँ फैक्ट्री चलाने का? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो चला रहे थे अपना मदरसा चला रहे थे। आज पत्रकार के साथ भी एक घटना कर दी गई, स्कूटी चला रही कोई भी नहीं है, स्कूटी किसी ने ऐसा जैसा भीड़ लग रही होगी, हो सकता है किसी के लगे अंदर बंद कर दिया, कौन से चाचा को, चाचा जिन्होंने स्कूटी चलाई पता नहीं हमें तो इस बात की। आप मानते हैं कि सवाल करना गलत है क्या? नहीं नहीं आपकी बात ठीक है, इसमें कुछ ऐसे पता नहीं है, कोई पता नहीं, नहीं नहीं आपकी बात ठीक है। अब तो जो देखो भाई साहब, जो गरीब लोग बेघर हुए हैं, जो गरीब लोग बेघर हुए हैं, तो उनके बारे में आप कुछ कहो सुनो उनसे, जिन जिन की हाँ तो गरीबों से पूछो ना जिनकी दुकान है, नहीं नहीं आप उन्हें बताइए जिन जिन के हैं उधर जाके पूछो, आप क्या कहेंगे भाई साहब? मुझे नहीं पता भाई साहब, आपको क्या लगता है बुलडोजर जो चला हुआ है जमीन पे? भैया मुझे कुछ नहीं पता, कुछ नहीं मालूम, बताना नहीं चाह रहे यार, नहीं बताना नहीं, मैं कुछ पता ही नहीं भैया, मैं तो बाहर गाँव में जब यहाँ हूँ ही नहीं, मैं तो रहने वाले हैं पटेल नगर से आया था मैं देखने को। भैया मैं किरेन वाला हूँ, मैं तो किरेन लेके ही जा रहा हूँ। आप यहीं के आपकी दुकान है भैया वो है भैया, आपके आस पड़ोस के क्या कहेंगे, सही हो रहा था गलत हो रहा था कुछ पता ही नहीं तो कहेंगे? 50 करोड़ की संपत्ति से उससे ज्यादा थी जिस पर बुलडोजर चला है, जब मालूम ही नहीं तो बताऊँ क्या जी? सब बातचीत कर लेते हैं अंकल जी, जो ये हुआ संपत्ति पे बुलडोजर चला, अवैध निर्माण कर रखा था, मदरसा भी था इसमें, कब्रिस्तान भी था, सही कर? मैं यहाँ के रहने वाला हूँ। कहाँ के रहने वाले? मैं तो बाहर हूँ। बाहर के रहने वाले, ये बच के जा रहे हैं कि बात नहीं करना चाहते? ना ना मैं यहाँ नहीं, यहाँ नहीं रहता, मैं उधर रहता हूँ नई बट्टे की तरफ। खबर सुनी होगी इसके बारे में? मैंने खबर क्या यही सुनी है कि तोड़ दिया। इलाज योगी जो इलाज कर रहे हैं सही कर रहे हैं क्या? ऐसी अवैध कब्जा मुक्त होगी ऐसी जमीन? गलत ही कर रहे हैं योगी, योगी तो योगी गलत कर रहे हैं, बुलडोजर से घबरा रहे हैं आप भी जी? बुलडोजर से घबरा रहे हैं? नहीं जो गलत का है गलत ही है, गलत है। भाई साहब से ही बातचीत, यहीं के रहने वाले हैं? हाँ जी यहीं के रहने वाले। सही चला बुलडोजर ये जो चला है? गलत चला है बुलडोजर। क्यों चला गलत ये तो हमें पता नहीं क्यों चला है, अवैध निर्माण था इसलिए बुलडोजर चल गया। आप क्या कहेंगे चाचा, सही चला गलत हुआ ये? भैया पता है जब कब्जा मुक्त जमीन ऐसे ही होगी, जब तक योगी का बुलडोजर नहीं आएगा ये कब्जा करने वाले मानेंगे नहीं, ना मानेंगे नहीं मानेंगे ऐसे। ये सही है इलाज, सही है, सही हो रहा, और क्या हो रहा, सही हो रहा, योगी का काम बढ़िया है मतलब। हाँ काम और क्या, दंगा ही यार ये कब्जा करने वाले। हाँ हम यहाँ के रहने वाले नहीं, कहाँ के रहने वाले आप? हम तो बहुत दूर से, हम तो वैसे। क्यों चला बुलडोजर कुछ पता नहीं सर, इसके बारे में कुछ नहीं, कुछ नहीं। तेरे 50 करोड़ की जो संपत्ति है उस पर कब्जा था सर? हमें नहीं पता सर, सब यही कही हैं लोग। अच्छा आपको क्या लगता है और लोगों से बातचीत, क्यों चला बुलडोजर ये पता नहीं, कुछ नहीं वाला। 50 करोड़ की संपत्ति पर बुलडोजर चला ये मैं नहीं कह सकता, अतिक्रमण कर रखा था, बस चल गया तो चल गया, क्या सही हुआ है क्या ये लगता है? ना गलत हुआ। तो ये जो मंजर आप देख रहे हैं ये योगी के बुलडोजर के बाद का वो मंजर आपको इधर नजर आ रहा होगा और देख सकते हैं, मैं साथी से कहूँगा एक बार दिखाइए, ये वही मंजर है जहाँ पर योगी का बुलडोजर चला और बाद में ये लोग अपना सामान समेट रहे हैं। मैं आपको लेकर चलता हूँ जहाँ चला योगी का बुलडोजर, वो जगह है मदरसा, मदरसा जो था वो अवैध कब्जे में बनाया गया और उस पर बुलडोजर चला, और यह देख सकते हैं पूरी तस्वीर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि इस वक्त का क्या दृश्य है, बुलडोजर चलने के बाद की जो स्थिति है।
वो आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। एक बार पहले ये दुकानें दिखाइए, ये अवैध जमीन पर ये दुकानें थी। एक बार साथी से कहूँगा, एक बार इधर दिखाने की कोशिश कीजिए, ये अवैध जमीन थी, यहाँ पर कब्जा किया गया, रेलवे की जमीन थी और देख सकते हैं। और ये साफ साफ इधर ये भी कोच कह रहा है, कोई कह रहा है रेलवे की है, लेकिन जो इस पर बोर्ड पे साफ लिखा हुआ है गाजियाबाद नगर निगम, यह भूमि नगर निगम की संपत्ति है, आज्ञा से नगर आयुक्त महोदय गाजियाबाद नगर निगम। तो ये नगर निगम की संपत्ति पर कब्जा किया गया, लेकिन उसके बाद चला बुलडोजर। और साथ ही देख सकते हैं ये एक मदरसा है, मदरसे पे भी बुलडोजर चला। लोगों का कहना है कि मदरसा भी अवैध संपत्ति पर बनाया गया। और यहाँ पर जो लोग हैं इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे, आप कुछ बताने के बारे में बताएंगे इसके, इधर भाई साहब आ रहे हैं इनसे आप कुछ बताएंगे, मदरसा भी क्या अवैध संपत्ति पर बना हुआ था क्या? मदरसा तो अवैध संपत्ति पर नहीं था बना हुआ। हाँ। जी नहीं, शुक्रिया। हाजी खलील ने अवैध रूप से पहले कब्जा किया यहाँ पे और फिर लोगों को जमीन बेच दी, क्या कहेंगे आप, क्या एक्शन हुआ? लोगों को जमीन भी बेची है, लोगों को जमीन किराएदार थे, किराएदार थे, बल्कि वो तो मना कर रहे थे, बाकी का ये मतलब किराएदार जाना वो जाना, किराएदार थे, जेल जाना चाहिए हाजी। नहीं, जिसने देखो गलत काम तो गलत है, कुछ भी मानते हैं गलत था, जो भी कौन था, तो रेलवे की संपत्ति थी तो गलत तो थी। कब्जा कर सरकार का ये एक्शन, ये कार्रवाई बुलडोजर की, अब क्या कहेंगे भाई साहब इस बारे में? मदरसे पे भी मतलब मदरसा भी कब्जा करके बना रखा, नहीं टूट जाए कोई बात, जो टूट गया टूट, हाँ मतलब मदरसा भी कब्जा कर रखा था, किराया भी ले रहे थे दुकानों का, पता नहीं किस बारे में, कोई मालूम नहीं इस मामले में, नहीं मालूम इस मामले में। मदरसे के बारे में क्या मतलब जानकारी? देखा था हमने, मदरसे में शादी होती थी, शादी में आते थे कभी कभी, बस जैसे साल छह महीने में कोई शादी हुई, माँ बस चले गए, मतलब था अवैध निर्माण। अब अवैध निर्माण था बिल्कुल, ये प्योर पक्का अवैध निर्माण। तो योगी का बुलडोजर मतलब सही चल रहा है, सही चल रहा है, एकदम सही है, कोई दिक्कत तो नहीं, नहीं है कहने की, ऐसा धर्म देखकर चला रहे हैं? ना 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 ना, ऐसा कुछ नहीं, नहीं इलाज यही है क्या, अवैध संपत्ति, अवैध निर्माण? जी बिल्कुल, जो गलत है गलत, गलत जो है वो सही है, मतलब आप क्या कहेंगे भाई साहब? योगी जी सरकार ने एक्शन लिया है, सही चला एक्शन, सही लिया गया एक्शन, बिल्कुल सही हुआ है, बिल्कुल बेहतरीन। लोग परेशान भी तो हो रहे हैं इससे, परेशानी तो देखो जो परेशान होगा परेशान होगा, पर एक्शन बहुत बढ़िया हुआ है, बढ़िया हुआ है। मतलब अवैध निर्माण था, मदरसे का भी अवैध, मदरसा अवैध नहीं था, बिल्कुल फिर क्या ये अवैध था, जिन्हें कब्जा करके बैठ गया था ये अवैध था, खलील हाजी, खलील हाँ हाजी, खलील ने कब्जा किया, हाँ वो कह रहे हैं मदरसे के आड़ में वो सारी संपत्ति कब्जाने की कोशिश, सारी संपत्ति करी, सबसे किराया लेता था, सारा किराया, ट्रेनी खड़ी करवाता, स्टैंड बना लिया था, पार्किंग बना दी, संजय जी नाजायज काम करा मोदी को क्या धन्यवाद देना चाहिए? मोदी को बहुत बड़ा धन्यवाद है, बहुत बड़ा योगी जी को धन्यवाद है, क्या कहेंगे कि योगी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बुलडोजर चलाया, हाँ योगी जी ने बहुत बढ़िया करा, धन्यवाद धन्यवाद है। जो वो अधिकारी जो इसमें इन्वॉल्व है ऐसे उनके ऊपर भी कार्रवाई हुई है, कार्रवाई सब पे होनी चाहिए, होनी चाहिए, अगर जी उन अधिकारियों पर भी तो होनी चाहिए कार्रवाई, बे अधिकारियों के बिना थोड़ी हो जाता कोई भी कब्जा। मदरसे की आड़ में ये बड़ा साजिश, मदरसे की आड़ में बड़ी साजिश, मतलब कब्जाने की कोशिश। धन्यवाद तो जब है मोदी जी का, योगी जी का, कि उन अधिकारियों पे भी तो कार्रवाई हो, भाई जिनके उसमें यानी कि हुआ है, अधिकारियों पे भी कार्रवाई होनी चाहिए, अधिकारियों पे योगी जी हैं, योगी जी से मांग करते हैं क्या भैया, क्या भड़का रहे हैं बताइए, क्या भड़का रहे हैं? वो कह रहे हैं अधिकारियों पे भी कार्रवाई होनी चाहिए, इसमें भड़काने वाली जाओ जाओ तुम जाओ जाओ भाई, आप क्या कहेंगे भाई साहब? कुछ नहीं कहेंगे, उधर भाई साहब भी खड़े हैं, इनसे क्या कहेंगे सर? हम तो खुद बाहर के हैं भैया, कहाँ के हैं, विदेश से थोड़ी हैं, विदेश से हैं तो यहाँ के तो ना है, यहाँ के नहीं है भाई, आप क्या कहेंगे? बुलडोजर चल गया है भाई साहब, क्या इसके बारे में क्या जानकारी है? क्या कहना, रेलवे की, उसकी रेलवे की जमीन थी, नोटिस रेलवे ने दिया, यहाँ नगर निगम ने तोड़ दिया, बस बोर्ड तो नगर निगम ने लगा रखा है, हाँ तो रेलवे की जमीन है ना, लोगों के पास नोटिस है रेलवे के, नगर निगम ने लगा दी जबरदस्ती, बोर्ड लगा दिया नगर निगम ने अपने।